घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। पुलिस वाले मिल जाते हैं, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते रत्तों में। अब हम घर जाना चाहते हैं, अभी इतने सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। दर्द अब तू ही रहम कर, इतना भी ना तड़पा, कहीं रहम दिल लोग इंसानियत ही भूल बैठे। पिछले 8 दिनों से लगातार पैदल चलते चलते सिसकियां भी अब होठों तक आकर कांपने लगी हैं। पैरों में इतने छाले पड़े हैं कि कदम जमीन पर रखते ही लड़खड़ा जाते हैं, आंखों में आंसू भी सूखने को है। हे सरकार, हे मालिक, इन गरीबों में अब तो जिंदगी जीने की जरा सी हिम्मत बाकी है, कहीं वह भी टूट ना जाए। कुछ कीजिए, भाषण छोड़िए, मदद को हाथ बढ़ाइए और इन गरीबों को घर पहुंच जाए। हमें ऊपर जाना है, हम परेशान हैं, नहीं कुछ खाने को, नहीं कुछ है, हम और चलते चलते और छाले पड़ गए, पैरों हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, कब तक चले हम पैदल। 8 दिन हो गए हमें चलते हुए, अब हमने भी जाना चाहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था करो, हमें घर पहुँचाओ। कहाँ से चले थे आप अभी, कहाँ पर? पंजाब से, गढ़शंकर घाई से। पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पुलिस वाले जाने नहीं देते, अगर उनसे ज्यादा नहरे पाते करो, पाँच छूते हैं फिर भी वो नहीं निकलने देते, और कुछ कहो तो डंडे मारते हैं। घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिन हो गए कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। भी नहीं मिल रहा, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे चल रहे हैं। हम अपने घर जाना चाह रहे हैं, मैं घर पहुंचा, हम यही नहीं रहेंगे, इतने दिन हो गए हम भूखे हैं, पेट में कुछ खाना भी नहीं गया है। खाना नहीं गया, घर की याद आ रही है? हाँ, घर की याद आ रही है। कौन कौन है घर? हमारे डैडी है, माँ, हमारे भाई है, बहन है, छोटी छोटी, हम यहाँ फंसे हैं। कब से चले वहाँ से? 8 दिन हो गए हमें। खाना खाया आपने? खाने कोई दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, किसी ने दूध दिया हो, किसी ने बच्चों के लिए कुछ? तो बच्चों को खिलाए, हम खाए। बच्चों के लिए किसी ने इंतजाम किया? कुछ बंदो ऐसे अच्छे हैं, उन्होंने दे दिए, बहुत से उन्हें नहीं दिए, धुतका दिए, जाओ यहाँ से। कोरोना की कहर और लॉकडाउन की मार झेल रहे देश के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, मगर उसमें घर के लिए निकले प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार दावे करती है कि मजदूरों की हर संभव मदद की जा रही है, धीरे धीरे उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यह तस्वीर कहती है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। पलायन के इस दर्दनाक दौर में अब तक 100 से ज्यादा मजदूर मौत का निवाला बन चुके हैं और सरकार अभी तक दामों पर ही टिकी है। कहा जाता है हम करेंगे, हम कर देंगे, प्रवासियों को घर पहुंचा देंगे, लेकिन धरातल पर सच्चाई देखो, प्रवासियों की हालत ऐसी है कि कलेजा कांप उठे। हम घर पे जाना चाह रहे हैं, हमें घर पे पहुंचाओ। कुछ मजदूरों से इतने कहला कि हमारे घर पे पहुंचा दो, हमें खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, मतलब हम काम कर रहा था, हमारा ठेकेदार भाग गया था हमें छोड़ के, और उनसे हम भाग गए थे, इसके हमारे बच्चों को खाने को नहीं दिया था किसी ने, तो हमने की बच्चों को ले अपने घर पहुंचाएंगे, तो रत्ते में कोई तुम जैसे भैया मिल जाते थे, वो हमें खिला देते थे, तो हम बच्चों को खिला देते, अपना खाते की बच्चों को खिलाते थे। पुलिस वाले मिल जाते हैं, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते रत्तों में। अब हम घर जाना चाहते हैं, अभी इतना सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। साना ऊपर जाना है। सरकारों में बैठे सत्तासीन लोग और प्रशासन की बागडोर संभाल रहे अधिकारी ये क्यों नहीं सोचते कि मजदूर भी उनकी तरह ही हार्ड मास के बने हुए हैं, इन्हें भी भूख लगती है और दर्द भी होता है। हरियाणा के करनाल से गुजर रहे यह प्रवासी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर यूपी बिहार स्थित अपने घर को जा रहे हैं। वोट इन्होंने भी दिया था, सत्ता बनाने में इनका भी हाथ है, मगर इस मुश्किल दौर में कहीं ना कहीं सत्ता आसीन लोगों ने इन्हें तनहा छोड़ दिया है। बता दे कि प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई है और बचे कुचे पैसे
खर्च हो गए हैं राशन के लिए, मोहताज होने लगे तो भूख की तड़प में घर याद आया और ये पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। 8 दिनों से पैदल चलकर थक चुके हैं, अब कौन पहुंचाएगा घर, जहां मौका मिलता है वहीं गुहार लगाते हैं मगर सुनता कोई नहीं। खबर तहलका के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।